हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारे मिक्सर को कनेक्ट कर सकते हैं हेडफोन के साथ। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हेडफोन को एनालॉग मिक्सर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर फोन्स का ऑप्शन ढूंढना होगा आपके मिक्सर में भी, जैसा कि यहाँ पर मुझे फोन्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे हमारे हेडफोन्स को। इसी तरह से ये फोन्स का ऑप्शन आपको बेसिकली कोई भी मिक्सर में अवेलेबल होगा, जैसे कि अगर आप कोई डिजिटल मिक्सर यूज़ करते हैं या फिर कोई एनालॉग या फिर कोई बेसिक या फिर एडवांस लेवल का मिक्सर यूज़ करते हैं, उन सभी मिक्सर में आपको इस तरह का फोन्स का ऑप्शन दिया होगा। अगर हम बात करें हेडफोन्स के बारे में, तो आपको 90% टाइम हेडफोन्स की पिन कुछ इस तरह से दी जाती है, मतलब कि एक ऑक्स केबल के वे में यहाँ पर आपको पिन मिलती है। बट यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए आपको इसको जैक में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक कन्वर्टर जो कि है ऑडियो जैक, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका यूज़ हमने पहले भी कई सारे वीडियोस में किया हुआ है। तो बेसिकली हमारी इस पिन को हम कनेक्ट करेंगे ऑडियो जैक के साथ कुछ इस तरह से, एंड उसको हम प्लग इन करेंगे हमारे फोन्स के ऑप्शन में। फोन्स के ऑप्शन में प्लग इन करने के बाद अब हमें जाना है हमारी मिक्सर की कुछ सेटिंग्स पे। तो यहाँ पर हेडफोन को मिक्सर के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फोन्स का ऑप्शन दिया होगा सेटिंग्स में, जैसा कि यहाँ पर ये हमारी मास्टर पैनल है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फोन्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर आप अपने मास्टर फेडर को यहाँ पर यूज़ करते हैं हेडफोन में वॉल्यूम लेने के लिए, तो वो वॉल्यूम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर फोन्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ाते हैं, मतलब इसको हम यहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारे हेडफोन्स में वॉल्यूम या फिर कोई भी साउंड नहीं आएगा। तो बेसिकली ये नोब को आपको यूज़ करना है, मतलब कि ये नोब बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके पर्टिकुलर हेडफोन का वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको कम करने के लिए। तो जब भी आप कोई भी मिक्सर में इस तरह का कोई हेडफोन यूज़ करते हैं, उसे अटैच करते हैं, तो आपको एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है कि आपको चेक करना है कि उसमें आपको हेडफोन्स का वॉल्यूम का बटन दिया हो। अगर आपको वॉल्यूम का बटन नहीं दिया है तो डायरेक्टली आपको अपने हेडफोन्स में साउंड मिल जाएगा। बट अगर आपको अगर इस तरह का एक नोब दिया हुआ है जिसमें आप वॉल्यूम को ईजीली इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, तो आपको इसका यूज़ ज़रूर करना है। जब तक आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको अपने हेडफोन में वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आप काफ़ी आसानी से अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी एनालॉग या फिर डिजिटल मिक्सर के साथ। इसी के साथ इस हेडफोन की एंड इस ऑडियो जैक की लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप इसकी ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।